ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में कोरोना की दस्तक। कार्यालय में 20 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। कार्यालय में लगाया गया था कोरोना टेस्टिंग कैंप। चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सेंगर भी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए सभी लोगों की कराई जा रही है टेस्टिंग। तो खबर, जहां रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में कोरोना की चपेट में आए तमाम अधिकारी और कर्मचारी। कार्यालय में कोरोना टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया था, जिसके चलते यहां पर संक्रमण की खबर सामने आ रही है। हो सकता है यहां पर जिस तरह से संक्रमित यहां पर अधिकारी कर्मचारी पाए गए हैं, तो टेस्टिंग कैंप के चलते यहां पर जिस तरह से जो मरीज या फिर जहां टेस्टिंग कराने के लिए लोग आए थे, उसके चलते भी यहां पर तमाम लोग जो है वो संक्रमित होना बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा, रायपुर की बात करें तो विकास प्राधिकरण कार्यालय में कोरोना की दस्तक, कई अधिकारी कर्मचारी इसकी चपेट में है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? छत्तीसगढ़ चपेट में है रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में कोरोना की दस्तक। कहा आज देखने को मिली है वहाँ के अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कार्यालय में 20 से अधिक कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। पिछले दिनों विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भी कोरोना टेस्टिंग कराया गया था और चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र संगर समेत 20 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। जी, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है चित्रा? जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग कैंप भी जो है लगाया गया था, क्या वहां पर कोई टेस्ट करने के लिए कोई आया था, जिसके चलते सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसकी चपेट में आ गए, या फिर कोई और वजह बताई जा रही है? जी, कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, लोग जो कोरोना टेस्ट भी करा रहे हैं, वहां पर कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी वो लोग जो है ये कहा जा सकता है कि लोग कोरोना टेस्ट कराने के बाद उनको पता नहीं चला सर्दी को सामान्य सर्दी खांसी समझकर वह ड्यूटी में भी गई है, सूत्रों से यह पता चला है। लेकिन यह बता दें कि जो टेस्ट हुई है उसमें पता चला कि 20 जने लोगों को संक्रमित पाए गए हैं, इस टेस्ट से जानकारी मिली है। और वहां पर अभी क्वारंटाइन के लिए मंत्रालय में कहें तो क्वारंटाइन के नियम का कोरोना का नियम गाइडलाइन का पालन करते हुए वहां पर बाहरी लोगों को जाने के लिए मना किया गया है। और जो कोरोना का संक्रमण दर जिस तरह से फैल रहा है तो देखें तो तेजी से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कोरोना का संक्रमण, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोज। इसकी कोरोना सेंटर यहाँ रायपुर में 3 है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर के विकास प्राधिकरण कार्यालय में कोरोना की चपेट में तमाम अधिकारी कर्मचारी आए। 20 लोगों की यहां पर जो रिपोर्ट है कोरोना संक्रमित पाई गई है। कार्यालय में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया था, ये भी वजह बताई जा रही है तमाम अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होना।